फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? पूनम की रात है और चांदनी रात होगी। चांद पूरे शबाब पर होगा और इस रात के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन शब्दों में करना नामुमकिन सा होता है। इस रात का एहसास आप चांदनी में खड़े होकर खुद ही अनुभव कर सकते हैं और कहा जाता है कि ये रात इतनी चमत्कारी होती है कि माता लक्ष्मी इस रात्रि में धन की वर्षा करने से खुद को रोक नहीं पाती। माघ माह की पूर्णिमा तिथि है, 27 फरवरी शनिवार के दिन पड़ रही है और माघी पूनम पर पवित्र नदियों में स्नान करना, दान पुण्य करना ये बहुत पुण्यदायक बताया गया है। ऐसा करने से मनुष्य के पापों का क्षरण होता है और माघ पूर्णिमा पर नदियों में स्नान करने वाले मनुष्यों पर, तीर्थों में स्नान करने वाले मनुष्यों पर, और जो तीर्थ ना जा सकें वो घर में ही जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। इससे भगवान माधव प्रसन्न होते हैं और सुख सौभाग्य धन संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। इस पूर्णिमा पर आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर में साफ़ सफाई करना चाहिए, घर में किसी प्रकार की भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माता लक्ष्मी कभी भी ऐसे घर में नहीं आती जहां गंदगी हो, आपके हर काम में रुकावट पैदा करती है। घर को साफ करके मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करें, पवित्र तीर्थों में स्नान करें। पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही आपको नहाने के पानी में गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः ऐसा बोलते हुए आपको एक लोटा जल से अर्घ देना चाहिए। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, भगवान श्री कृष्ण, विष्णु, शिव, जो भी आपके इष्ट है उनका पूजन करें और हनुमान जी की पूजा करने से मनुष्य के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन एक हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कह सकते हैं, गायत्री मंत्रों का जप कर सकते हैं, भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। कम से कम एक माला का जप आपको ज़रूर करना चाहिए और दान हो, हवन हो, व्रत हो, जप हो, जो भी करना चाहते हैं ये करें। ज़रूरतमंद हो, गरीब हो, इनको अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान भी करना चाहिए। माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त 26 फरवरी को शुक्रवार शाम को 3:49 से हो रहा है और माघी पूर्णिमा की समाप्ति 27 फरवरी शनिवार को दोपहर 1:46 पर हो रही है। ऐसे में पूर्णिमा का चांद 26 फरवरी को दिखाई देगा, इसलिए माघ पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान सभी चीज़ें 26 फरवरी को ही की जाएगी और स्नान दान आप चाहें तो 27 फरवरी को भी कर सकते हैं। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ आसमान में निकलता है, पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है, इसलिए कहा जाता है कि इस दिन जो भी मनुष्य व्रत करता है, चंद्रमा का पूजन करता है, इससे उसके जीवन की कठिनाइयां हो, मानसिक अशांति हो, कलह हो, कलेश हो, ये सभी चीज़ें जीवन से दूर होती है। मानसिक शांति पाने के लिए, घर से कलह कलेश दूर करने के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पूर्णिमा के दिन आपको चंद्र उदय के समय चंद्रमा को थोड़े से कच्चा दूध एक लोटे जल में डाल लीजिए और चावल मिला लीजिए, चीनी मिला सकते हैं, और ओम श्राम श्रीं स्रोंग सह चंद्रमसे नमः या ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए आपको अर्घ देना चाहिए। ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होती है। पति पत्नी के रिश्ते भी अगर खराब हो गए, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ गई है, तो व्रत करने के साथ साथ चंद्र उदय होने के बाद पति पत्नी अगर मिल करके अर्घ देते हैं तो ये भी बहुत लाभकारी होता है, इससे भी दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। इस बार माघी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय शाम को 6:25 पर होगा और 27 फरवरी को सुबह 6:59 तक चंद्रमा रहने वाला है। इस दिन आपको कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए, इससे भी शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। खासकर तुलसी के पत्तों से ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 तुलसी का पत्ता लेना है आपको। तुलसी का पौधा हर घर में होता ही है, काफ़ी पुरानी परंपरा है हमारे समाज में, क्योंकि पूजनीय, पवित्र और देवी स्वरूप मानी गई है तुलसी। और कहा जाता है जिस घर में तुलसी की पूजा अर्चना होती है उनके ऊपर सत्य देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और ऐसे में आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पापनाशक होता है, उनका पूजन मोक्षदायक होता है, इससे मन में एकाग्रता आती है, मनुष्य के क्रोध पर नियंत्रण रहता है।
और धन से जुड़ी समस्या के लिए तो आपको कहा गया है, इस बात का वर्णन है कि पूर्णिमा के दिन आपको तुलसी पूजन जरूर करना चाहिए। जो लोग के घर के आसपास पीपल का वृक्ष है वहाँ पर भी माँ लक्ष्मी का आगमन होता है सुबह 10 बजे, तो आप चाहे तो सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ पर भी कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित कर सकते हैं। इस दिन आप माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ, जो लोगों ने पीली कौड़ियाँ रखी है अपने पास, पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ होती है, बहुत ही चमत्कारिक कौड़ियाँ होती है, इनका पूजन करने से भी घर पे, इनको रखने से घर पे, या गोमती चक्र जो होते हैं, गोमती चक्र, अगर 11 गोमती चक्र अपने पूजा स्थल पर आप रख लेते हैं या तिजोरी पर इनको सिद्ध करवा करके अभिमंत्रित करवाना चाहिए 1.25 लाख जब से, इसके बाद ही इसको रखना चाहिए। इन पर हल्दी का तिलक करना चाहिए, लाल रेशमी कपड़ा हो, पीला रेशमी कपड़ा हो, इसमें बांधकर तिजोरी में या पूजा स्थल पे रखते हैं तो ये बहुत ही चमत्कारिक होता है। और ऐसे घर में कभी भी धन से रिलेटेड समस्याएं नहीं आती, आती भी है तो बड़ी आसानी से निकल जाती है। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते पूरा साल ही बाधित रहा है, काम धंधा छोड़कर लोग अपने घरों में बंद हो गए हैं, आर्थिक स्थिति सबकी डावाडोल हो गई है, किसी की नौकरी चली गई, किसी का काम बंद हो गया, किसी के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। लेकिन आपको बता दूं, तंत्र में आप एक उपाय कर सकते हैं तुलसी से, आटे से, जिससे आपकी समस्याएँ धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। कुछ नहीं करना है, घर पर अपनी रोटी बनाने के लिए आप आटा रखते हैं, बस इसी चीज़ का इस्तेमाल करना है। चिंताओं से इससे मुक्ति मिलती है, आपका दुर्भाग्य दूर करता है, समस्याओं को खत्म करता है और बहुत ही लाभदायक उपाय है। इससे आपकी दरिद्रता भी खत्म करती होती है और कहा जाता है इंसान राजा बन जाता है। कुछ नहीं, जब भी शनिवार आए या पूर्णिमा आए, आप गेहूं अगर पिसवाते हैं तो आपको इस बार शनिवारी पूर्णिमा है, गेहूं ज़रूर पिसवाइए। गेहूं में 100 ग्राम काले चने, 11 तुलसी के पत्ते और 2 दाने केसर के मिला लीजिए और इनको पिसवाने के लिए दीजिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, साथ ही घर में, परिवार में सुख शांति का वास होगा। और जब आटा पीस करके आ जाए तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर एक रोटी बनाइए और गाय को खिला दीजिए। गाय आदि नहीं है तो किसी गरीब आदि को भी आप दे सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होगी, रुके हुए धन है, अगर कहीं पे पैसा फंस गया है, कर्ज चढ़ गया है, वो सभी आपकी परेशानियाँ दूर होंगी। आपके घर में अगर पैसा नहीं रुक रहा है, बरकत नहीं हो रही है, तो इससे ठीक हो जाएगा। और जिनके भी काम में बाधाएं ज़्यादा आती है, शनि दोष है, किसी को 7.5 चल रही है, तो शनिवारी पूर्णिमा है दोस्तों, इस दिन शनि देव और हनुमान जी का ध्यान करके एक रोटी आप बना लीजिए और उसमें आप उस पर सरसों का तेल लगा दीजिए और एक हनुमान चालीसा पढ़ करके आप फिर ये रोटी किसी काले कुत्ते को या काली गाय को खिला दें। आप देखेंगे इस छोटे से उपाय से आपके सारे बिगड़े काम संवरने लग जाते हैं, अटका हुआ धन आने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैम हम रेडीमेड आटा लेते हैं, तो रेडीमेड आटा भी लेते हैं तो एक मिक्सी में, जार में थोड़ा सा आटा लेके उसमें तुलसी पत्ते, केसर आदि मिला करके काला चना घुमा लीजिए और फिर आटे में मिक्स कर दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। और नौकरी और व्यवसाय में प्रगति के लिए आपको इस दिन गुड़ और आटे से मीठी पूड़ियाँ बना करके लाल गाय को अगर हो सके तो खिलाना चाहिए। इससे आपके नौकरी की समस्याएं, बिजनेस की समस्याएं, कोई डील अगर बार बार ख़राब हो जाती है उसकी समस्या है, ये सभी आपके जीवन से ग्रह को दूर करेगा, बुरे ग्रहों के प्रभाव को दूर करेगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आप नज़र भी उतार सकते हैं। जब ये आटा पिस करके आ जाए और ऐसा कोई इंसान है आपके घर में जो हर समय लड़ाई झगड़े करता है, कलेश करता है, किसी की बात नहीं मानता है, डिप्रेशन में रहता है, अकेले रहता है, तो ऐसे में आप कर सकते हैं, जब आटा पिस करके आए तो रोटी बना लीजिए और ये रोटी आप नज़र लगे व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार दीजिए और फिर आप किसी काले कुत्ते को खिला दीजिए या टुकड़े करके चींटियों को खिला दीजिए। ऐसा करने से बुरी नज़र उतरती है, अगर नहीं हो कोई जानवर तो आप किसी चौराहे पर चुपचाप थोड़े से गुड़ के साथ रख के आ जाइए। दोस्तों, आटे से आप और भी उपाय कर सकते हैं, कागज़ के टुकड़े पर राम राम लिख लीजिए और कागज़ को आटे में मिला करके गोलियां बना लीजिए, राम राम लिखे हुए आटे को गूंथ लीजिए और छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों को खिला सकते हैं। ऐसे भी आपके जीवन में ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और प्रगति के मार्ग खुलते हैं।
दुर्भाग्य को दूर करना है तो लाल किताब में बहुत प्रचलित है आटे का उपाय, इससे आप चाहें तो किस्मत बदल सकते हैं। कहा जाता है कि आटे में चीनी मिला करके हर दिन चींटियों को डाल दीजिए, इससे आपके धन के साथ साथ आपकी बाकी समस्याएं भी खत्म होती है, भाग्य को बल मिलता है, शनि के साथ साथ राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। दोस्तों पूर्णिमा का दिन है और इस दिन घर में सुबह शाम आपको दीपक ज़रूर जलाना चाहिए, गाय के घी का दीपक जलाइए, तेल का जो आपका सामर्थ्य हो, और घर में वास्तु दोष पैदा ना हो, किसी तरह से किसी ने कुछ किया धरा हो तो इस शाम को गोबर के उपले जलाकर, कपूर हो तो कपूर डाल दीजिए, लोबान हो तो लोबान डाल दीजिए, ये करके पूरे घर में धुआँ ज़रूर देना चाहिए। तुलसी को भी आपको धूप दिखाना चाहिए, तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए इस दिन। पूर्णिमा के दिन तो सुबह सुबह स्नान करके तुलसी माँ को भोग सिंदूर इस दिन ज़रूर चढ़ाना चाहिए तुलसी माँ को। और क्या करना है आपको, एक दिन पहले ही रात में आप थोड़े से तुलसी के पत्ते नहाने की बाल्टी में डाल दीजिए या एक ग्लास के में पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह इस जल से आपको नहाना चाहिए और पूरे घर में भी छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों मंदी का दौर है, इसमें अगर व्यापार सही नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है परेशानियां ज़्यादा बढ़ गई है, तो तुलसी के पत्तों को 3 दिन तक पानी में रख दीजिए, फिर पानी को आपका जो फैक्ट्री है, दुकान है, कारखाना है, उसके दरवाजे पर आपको छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से भी व्यापार में चल रही मंदी आपकी दूर होगी, साथ ही अगर चोरी आदि ज़्यादा होती है तो ये ऊर्जा चोरों को भी दूर रखती है। दोस्तों पूर्णिमा का दिन है, आपको इस दिन ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रों का जप ज़रूर करना चाहिए, जो भी आपके इष्ट हैं उनके मंत्रों का जप करें आप, और ऊपरी बाधा या नज़र दोष किसी को लगा है तो इस दिन 7 तुलसी के पत्ते ले लीजिए और 7 काली मिर्च अपनी मुट्ठी में ले लीजिए, फिर जो भी पर्सन को नज़र लगाए उसके ऊपर से 21 बार ऊपर से नीचे तक वार लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोल करके काली मिर्च उसको चबाने दे दीजिए और तुलसी के पत्ते निकलने दे दीजिए, फिर उन इंसान को उल्टा करके उसके पांव के तलवों को किसी कपड़े से 7 या 11 बार झाड़ दीजिए, ऐसा करने से भी सभी कष्ट दूर होते हैं। ध्यान रखें दोस्तों पूर्णिमा तिथि है, इस दिन स्नान जरूर करना चाहिए, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, काले नीले डीप ब्लू कलर के वस्त्र आपको नहीं पहनना चाहिए, ये नेगेटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं आपके जीवन में। जब आप सो करके उठें सुबह तो समय से सो करके उठें, आप दिन में ना सोएं और रात्रि में भी आपको चंद्रमा की पूजा करके सोना चाहिए। पति पत्नी को पवित्रता के साथ रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताना चाहिए, नहीं तो कहा जाता है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन आपको बाल हो, नाखून हो, शेविंग हो, ये सब नहीं काटने चाहिए, ये वर्जित होता है। और माघी पूर्णिमा है, इस दिन अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें, सारे दिन मौन रह करके आप अपने इष्ट के मंत्रों का जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आपके मंत्र हैं उनका आप जप कीजिए, किसी का अपमान ना करें, क्रोध ना करें, गाली गलौच ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोलें और किसी की भी चुगली बुराई आदि नहीं करना चाहिए। परिवार में घर में कलह का माहौल नहीं बना करके रखें, नहीं तो एक तो इससे आपके पितृ नाराज़ होते हैं, पितृ को क्रोध आता है, आपके घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए नाराज़ होकर के चली जाती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। इस दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, घर में प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और इस तरह से पूर्णिमा तिथि रात में 1 लोटा जल आपको चंद्रमा को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। हो सके तो इस दिन खीर बनाएं और माता लक्ष्मी को भोग लगाकर परिवार सहित चंद्रमा की रोशनी में बैठ करके खाएं। हमेशा बताती हूँ पूर्णिमा तिथि को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, त्राटक ज़रूर करना चाहिए, घर के सभी बच्चों को आप पूर्णिमा की रोशनी में बैठाइए, साथ में उनके साथ एक पार्टी जैसी कीजिए या जो भी कीजिए, पर पूर्णिमा तिथि की चंद्रमा की रोशनी आपके ऊपर जरूर पड़ना चाहिए। दोस्तों कहा जाता है रावण इतना इंटेलिजेंट था, वो हर पूर्णिमा पर अपनी जो नाभि है उस पर चंद्रमा की रोशनी लिया करता था और इसलिए वो इतना इंटेलिजेंट था। इसलिए आप भी कीजिए और जो लोग भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके संतान होने वाली है उन सभी को तो चंद्रमा की रोशनी पूर्णिमा तिथि पर नाभि पर जरूर लेनी चाहिए। छोटे छोटे उपाय बताए मैंने दोस्तों, कर लीजिए उपाय और फिर देखिए छोटे छोटे उपायों को करके
कैसे जो आपके घर में जो थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई है वो दूर होती है और आपके जीवन में पॉजिटिविटी का वास होता है। एक गांठ जो लग गई है आपकी ज़िंदगी में, जो आपको बढ़ने नहीं दे रही है, बाधाएं पैदा कर चुकी है, इन सभी चीज़ों में खुलाव आता है, वो सब गांठें खुलती है और आपके जीवन की गाड़ी आगे चल पड़ती है। आप भी अगर परेशानी में हैं तो ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी लगता है बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, उन सभी से इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की।